तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर लाइव प्रूफ देखिए, यहाँ पर मैं एक नए चैनल को बनाया जिसमें 0 सब्सक्राइबर था। अभी चैनल पर मैं एक शॉर्ट वीडियो को अपलोड कर देता हूँ जिसपे यहाँ पर 2 दिनों में आपको 9600 व्यू दिखाई दे रहा होगा। अब दोस्तों देखो, इसी वीडियो को मैं दोबारा अगले दिन फिर से अपलोड करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 1 दिन में आपको 6000 व्यू यहाँ पर दिखाई स्क्रीन पर दे रहा होगा। अब दोस्तों देखो, इसी वीडियो को मैं आज के दिन फिर से 6 घंटे पहले अपलोड किया हूँ, देख सकते हो 6 घंटे में यहाँ पर 38000 व्यू आ गया। जो वीडियो पहले दिन अपलोड किया था उस वीडियो पर 9600 व्यू है, फिर उसी वीडियो को दूसरे दिन अपलोड किया तो उस वीडियो में 6000 व्यू है, और जो तीसरे दिन आज मैं अपलोड किया हूँ 6 घंटे पहले तो सिर्फ 6 घंटा हो रहा है और इस वीडियो पर 38000 व्यू आ गया। अब दोस्तों सोच रहे हो एक ही वीडियो को मैं बार बार अपलोड करके कैसे वायरल कर लिया, क्या ट्रिक को फॉलो किया। अगर इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देख लो तो मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला जो कि अभी तक आपको कोई भी नहीं बताया, उस ट्रिक को लगाइएगा और आपका वीडियो 100% वायरल होगा, और गारंटी फुल गारंटी के साथ आपको बता रहा हूं। अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। साइड में विनर देख रहे हो, ये भाई विनर बन चुके हैं, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अभी जाते हैं चैनल को प्रमोट करवाना, रोज हमारे चैनल वीडियो आता है उस वीडियो को लाइक करना, वीडियो के अंदर एक प्यास कमेंट करना, नेक्स्ट गेम में आप चैनल प्रमोट कर दिया जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम अपने फोन की स्क्रीन पर आ चुके हैं। अगर दोस्तों इस ट्रिक को आप लगा लेते हो तो आपका शॉर्ट वीडियो 100% वायरल हो जाएगा, क्योंकि इस ट्रिक को लगा के मैं भी अपने वीडियो को वायरल किया हूँ तभी आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ। तो बिल्कुल एक नया चीज आपको सिखाऊंगा, तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। यूट्यूब को ऑन करके आपको प्लस आइकन में क्लिक करना है, क्लिक करने बाद अपलोड वीडियो पर आपको क्लिक करके आप गैलरी में पहुंच जाओगे। आप जो भी शॉर्ट वीडियो को अपलोड करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करना है और उसको नेक्स्ट कर देना है। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर आ जाओगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या एकदम ध्यान समझिएगा, यहाँ पर आप शॉर्ट को एक अच्छा से यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर टाइटल पर आपको आना है, और टाइटल में यहाँ पर आपको अगर कुछ भी समझना है क्या लिखना है तो यहाँ पर आपको 2 हैशटैग जरूर लगा देना है। जो पहला हैशटैग है शॉर्ट्स, जो दूसरा हैशटैग है YT Shorts। अगर YT Shorts लगा दे भाई ना तो आपका वीडियो वायरल 100% होगा। अब क्या करना है, जो अब यहाँ पर जो 2 हैशटैग को लगाए हो वो दोनों हैशटैग को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लिए, कॉपी करने बाद आपको इस वीडियो को पब्लिक नहीं करना, पब्लिक कर दोगे तो आपका ये वीडियो कभी भी वायरल नहीं होगा। आपको इस वीडियो को अनलिस्टेड पर रखना है और यहाँ पर आपको अपलोड शॉर्ट पर क्लिक कर देना है। चलो यहाँ पर एक बार अपलोड हम कर दिए, उसके बाद क्या करना है प्लस का आइकन में फिर से क्लिक करना है। अब ध्यान से देखो, तो बिल्कुल एक नया चीज सिखा रहा हूँ, फिर से आपको उसी वीडियो को सिलेक्ट करना है, फिर से आपको इस वीडियो को नेक्स्ट करना है इस तरह से, और नेक्स्ट करने बाद जो भी वीडियो मेरा जिस तरह से अपलोड हो रहा था उसी तरह से उसी प्रोसेस के साथ इस वीडियो को भी अपलोड करना है। टाइटल में जैसे मैं यहाँ पर 2 हैशटैग को लगाया था उसी तरह से इस वीडियो में भी देखो मैं यहाँ पर 2 हैशटैग को लगाता हूँ, और लगाने बाद यहाँ पर अपलोड शॉर्ट पर क्लिक करके अपलोड कर देता हूँ। इसी तरह से 2-4 बार आपको वीडियो को अपलोड करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो वीडियो था अपलोड हो चुका है। एक ही वीडियो को यहाँ पर मैं 3 बार अपलोड किया हूँ, देख सकते हो 3 बार आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एक ही वीडियो है। अब दोस्तों यहाँ पर एकदम बिल्कुल एक नया चीज सिखा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों आपको अपने शॉर्ट वीडियो को वायरल करने के लिए आपको प्ले स्टोर को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको सर्च पे जाना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है, क्या सर्च करना है आपको एकदम ध्यान से देखना है। यहाँ पर आपको लिखना है इस तरीके, जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कीवर्ड सर्च, जैसे इस तरह से हमारे कीवर्ड सर्च टूल इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है, और यहाँ पर फॉर यूट्यूब इस तरीके से लिख के आपको सर्च कर देना है। जैसे आप लोग सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखो बहुत सारे एप्लीकेशन आपको दिखाई देगा, आपको किस एप्लीकेशन पर जाना है आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा, देख सकते हो इसका लोगो क्या है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करिएगा, इसका पूरा नाम देख लो क्या है, कीवर्ड सर्च टूल TAG ICO, इसका पूरा नाम ये है, और इसका यहाँ पर लोगो देख सकते हो। आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इसी एप्लीकेशन से मैं अभी अपने वीडियो को वायरल कर रहा हूँ, तो आपको उसको सबसे पहले डाउनलोड करना। तो दोस्तों जैसे ही आपका एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आपको इसको ओपन करना है। देखो ओपन हम कर रहे हैं, ओपन करने बाद यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। अब दोस्तों आपको कैसे अपने वीडियो को वायरल करना है एकदम ध्यान से समझिएगा। आपको करना क्या है, यहाँ पर कीवर्ड सजेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, सर्च यूट्यूब कीवर्ड्स यहाँ पर इस तरह से लिख के आ रहा था। आपको क्या करना है, आपको चल जाना है आपको अपने वीडियो पर जहाँ आप अपने वीडियो को अपलोड किए हो, ठीक है। मैं अपने वीडियो पर आ गया हूँ, अब इस वीडियो को यहाँ पर पेंसिल लोगो पे हम क्लिक कर देते हैं, और क्लिक करके यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर टाइटल आपको बनाना है। टाइटल चलो यहाँ पर हम बना लेते हैं, क्योंकि फनी वीडियो, तो इस तरह से देखो उसका टाइटल मैं दे दिया हूँ इमोजी लगा के, फनी वीडियोस इस तरह से लिखे, ठीक है, और यहाँ पर हैशटैग लगा हुआ है। चलो यहाँ पर ये काम कर लिए, अब क्या करेंगे इसको सेव करेंगे। देखो हम ध्यान से वीडियो को देखिएगा तभी आप अपने वीडियो को वायरल कर पाओगे। सेव करने बाद अब दूसरे वीडियो पे आ जाएंगे। अब दूसरे वीडियो पे आने बाद जो इसका जो टाइटल है तो इसके भी टाइटल में हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम यहाँ पर टाइटल दिए थे सेम टाइटल को यहाँ पर भी देना है, ठीक है, सेम टाइटल को आपको इस वीडियो के अंदर भी आपको लगाना है। तो चलिए यहाँ पर मैं तीनों वीडियो के अंदर लगा लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो जो टाइटल में पहले वीडियो में लगाया था वही टाइटल को मैं तीनों वीडियो के अंदर यहाँ पर लगा दिया हूँ। अब तीनों में से कोई ना कोई वीडियो आपका जरूर वायरल होगा, कौन वायरल होगा अभी आपको पता चलेगा। अभी तीनों वीडियो के अंदर आपको ICO करना है। ICO कैसे होता है आप लोग ध्यान समझिए, जो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करवाया उस एप्लीकेशन को आपको ऑन करना है, और यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, सर्च यूट्यूब कीवर्ड्स, आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर सर्च करना है, क्या सर्च करना, जो मेरा टाइटल था, मेरा टाइटल क्या था, फनी वीडियो, जो कि यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख दिया हूँ। और लिखने बाद क्या करेंगे, यहाँ पर शो का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, शो पे आपको क्लिक कर देना है, और जैसे शो पे क्लिक करोगे देखो यहाँ पर क्या आ रहा है,
देखो फनी वीडियो के रिलेटेड यहाँ पर इतना सारा मेरे को कीवर्ड मिला है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, ध्यान समझिएगा, आपको एक कीवर्ड पे इस तरह से क्लिक करना है, फिर दूसरे पे क्लिक करना है, फिर तीसरे पे क्लिक, जितने एक कीवर्ड पे आप क्लिक करोगे देखो सही का टिक लगते जा रहा है। तो आपको क्या करना है, लाइन से जितना भी आपको कीवर्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो सारे कीवर्ड पे आपको क्लिक करते जाना है, ठीक है। जितना भी कीवर्ड आपको दिखाई दे रहा है सारे कीवर्ड पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको बता देता हूँ मैं। देखो यहाँ पर मैं जितना भी कीवर्ड है सब पे क्लिक कर दिया हूँ, क्लिक कर लिया हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, नीचे में देखो क्या लिखा हुआ है, कॉपी ऑल, तो आपको कॉपी ऑल पे क्लिक करना है। देखो कॉपी ऑल पे क्लिक कर दिए और यहाँ पर जितना कीवर्ड था सारा कॉपी हो गया। अब क्या करेंगे आप लोग, ध्यान समझिएगा, आपको आ जाना है अपने वीडियो में। आने बाद दोस्तों क्या करोगे, यहाँ पर जो आपका वीडियो है उस पर क्लिक करना है, और क्लिक करके उस पेंसिल लोगो पे क्लिक करके आपको यहाँ पर चल जाना है डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन पे जाने के बाद आपको इसको पेस्ट करना है। और पेस्ट करने के बाद दोस्तों क्या करना है, जो कीवर्ड है देखो यहाँ पर सारे कीवर्ड के बीच में डॉट और कॉमा आपको दिखाई देगा, सबको लाइन से आपको इसको जितना भी कीवर्ड है सबके बीच में से डॉट और कॉमा हटा के आपको लाइन से कर लेना है। चलिए यहाँ पर हम जल्दी जल्दी से हटा के कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर जितना भी कीवर्ड था सारे डॉट कॉमा को हटा के लाइन से कर दिए। इतना काम आपको करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, पूरा आपको क्लिक करके सारे को आपको ऑल पे क्लिक करके आपको उसको कॉपी कर लेना है। देखो कॉपी कर लिए हैं, अब क्या करेंगे, ऊपर में यहाँ पर हम सेव करेंगे, ठीक है। सेव करेंगे तो यहाँ पर जो मेरा पहला वीडियो था देखो इसके अंदर सेव हो गया कीवर्ड। अब क्या करेंगे, जो दूसरा वीडियो उस पर हम आएंगे, और आने पर जो पेंसिल लोग उस पर क्लिक करेंगे ना वीडियो हम ध्यान से देखिएगा, और डिस्क्रिप्शन में जाके इसको क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर देंगे तो सारा लग गया, फिर इसको भी सेव कर देना है। और सेव करने के बाद उसको क्या करना है, आपको फिर से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद तीसरे वीडियो पर जाना है। अब यहाँ पर हम ध्यान समझिएगा, तीसरे वीडियो पर जाने बाद अब इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर देखो इसको भी हम यहाँ पर फिर से पेस्ट कर देते हैं। अब मेरे वीडियो में तीनों जितना वीडियो था तीनों वीडियो के अंदर मैं इसी कीवर्ड को यहाँ पर लगा दिया हूँ। अब इतना काम करने के बाद क्या करना है, आप ध्यान देखिए, आपको यहाँ पर एक कीवर्ड पर क्लिक करना है, सिर्फ एक कीवर्ड पर क्लिक करना है, और क्लिक करके आपको इसको कॉपी करना है। देखो एक कीवर्ड पर हम यहाँ से क्लिक करके कॉपी किए, आ जाएंगे हम टेक्स्ट पे, जो यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट पे आ जाएंगे। और टेक्स्ट पे आने बाद आपको इस वीडियो में यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से लगा देना है। तब वीडियो को हम ध्यान से देखिएगा तभी वायरल कर पाओगे आप लोग। एक टेक्स्ट को लगा दिए, अब आपको यहाँ पर जो दूसरा टैग मिलेगा उसको आपको इस तरह से फिर क्लिक करना है, इसको कॉपी करना है, और यहाँ पर आपको आके यहाँ पर फिर से इसको आपको लगा देना है, ठीक है। इतना काम करके आपको लगाते जाना, जितना भी वहाँ पर कीवर्ड है सारे कीवर्ड को आपको लाइन से लगाना है, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी लगाऊंगा। अब यहाँ पर एक चीज और आपको समझना है, जो चीज़ आपको बता रहा हूँ एकदम वीडियो को एकदम ध्यान समझिएगा। क्योंकि जो पहला वीडियो आपको दिखाई दे रहा होगा उसमें आपको टैग लगाना है, जो आपको तीसरा वीडियो दिखाई दे रहा होगा उसमें आपको टैग लगाना है। लेकिन दोस्तों जो दूसरा नंबर पर आपको जो वीडियो दिखाई दे रहा है, इस वीडियो में आपको कोई भी टैग्स को ऐड नहीं करना है, एकदम ध्यान रखिएगा। आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी टैग्स ऐड नहीं करना है पहले वीडियो में, और यहाँ पर तीसरे वीडियो में चलो टैग्स को हम ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों देखो पहले वीडियो में भी हम टैग्स को ऐड कर दिए, उसके बाद क्या करेंगे, इस वीडियो को पब्लिक नहीं करेंगे, इस वीडियो को शेड्यूल करेंगे, शेड्यूल पे लगाएंगे। अब दोस्तों एकदम वीडियो एकदम ध्यान समझिएगा, ठीक है। शेड्यूल पे आकर आपको कैसे टाइम लगाना आपको मैं बता देता हूँ, ये टाइम अगर लगाने आपको नहीं आएगा तो आप अपने वीडियो को वायरल नहीं कर पाओगे। एकदम ध्यान से देखिए यहाँ पर करना क्या, जैसे कि आज 23 तारीख चला, अभी रात को मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं 24 तारीख का डेट रखता हूँ, ठीक है। कल मैं अपलोड करना चाहता हूँ, और कल मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर कल के डेट में मैं सुबह 9 बजे का टाइम लगाता हूँ, ठीक है। 9 AM का यहाँ पर टाइम लगा के यहाँ पर सेट कर दूँगा, ओके, ठीक है, ओके कर दिया हूँ। एकदम ध्यान समझिएगा, अब यहाँ पर चलो सेव पे हम क्लिक कर देते हैं। सेव पे क्लिक कर दिए तो मेरा ये देखो वीडियो सेव हो गया, कल जैसे 9 बजे का सुबह में तो ये वीडियो पब्लिक हो जाएगा। अब इस वीडियो में मैं टेक्स्ट लगाया था, ये वीडियो 9 बजे अपलोड होगा। अब जिस वीडियो में मैं टेक्स्ट नहीं लगाया हूँ उस वीडियो पे अब हम क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने बाद इस वीडियो में मैं कोई भी टेक्स्ट को ऐड नहीं किया हूँ, देख सकते हो इस वीडियो में कोई भी टेक्स्ट ऐड नहीं किया हूँ, बस यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड ऐड किया हूँ, टाइटल बनाया हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को भी शेड्यूल करना है, तो शेड्यूल पे क्लिक करके अब इस वीडियो को कितने बजे शेड्यूल करेंगे ना ध्यान समझिएगा। दोस्तों देखो कल का ही डेट हम रखते हैं और यहाँ पर ओके कर देते हैं, और ओके करने बाद इसका भी टाइम 9 बजे रखेंगे, ठीक है। जो इसका भी टाइम है इसको भी देखो हम 9 बजे रखे हैं, उसको ओके कर देते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो में टैक्स नहीं लगा हुआ है, ये भी 9 बजे वीडियो पब्लिक होगा, और जिस वीडियो में टैक्स हम लगाए हैं वो भी वीडियो 9 बजे ही पब्लिक होगा। अब दोस्तों बच गया ये वाला लास्ट वाला वीडियो, ठीक है, इस वीडियो में हम टैक्स लगा करके हैं। अब इस वीडियो के साथ करना क्या है, ध्यान समझिएगा, तभी तीनों में कोई ना कोई वीडियो आपका जरूर वायरल होगा। तो आपको इस वीडियो पे आ जाना है, और इस वीडियो पे आकर शेड्यूल पे आ जाना है, और इस वीडियो को देखो कल का डेट ही हम लगाते हैं। कल का डेट लगा के इस वीडियो को हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 7 बजे का या 6 बजे का टाइम लगा लेते हैं, ठीक है, 6 बजे का टाइम लगा लेते हैं, PM कर देते हैं, कल शाम में ये वीडियो 6 बजे पब्लिक हो जाएगा। आप दोस्तों होगा क्या, ध्यान समझिएगा, जो वीडियो आप बनाए हो उस टाइप की ऑडियंस कितने बजे एक्टिव है ये आपको नहीं पता है। तो अगर शेड्यूल आप लगा दोगे तो कोई ना कोई वीडियो तीनों में से आपका रैंक कर जाएगा, कोई ना कोई वीडियो आपको वायरल हो जाएगा। जो वीडियो आपको वायरल हो जाएगा उसको आप लोग अपने चैनल पर रहने दीजिएगा, जो वीडियो आपको वायरल नहीं होगा उसको आप लोग डिलीट कर दीजिएगा। आपका इस ट्रिक को लगाने के बाद 100% वीडियो वायरल होने वाला, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा।